Hi guys, how are you? And I hope all will be well with you. And today's video lecture, I am going to discuss about a high school, a very important poem, which is taken from first polite book, the Pal poem, very very most important poem. So let us see this poem without taking any delay. Let's get it started. तो देखते हैं द बाल पोम जॉन मेरीमैन के द्वारा लिखी गई है और जो कविता किसके बारे में है, एक गेंद के बारे में कविता है। वो कविता जो है जो बहुत एक सबक देगी, एक मैसेज देगी रीडर को कि किस प्रकार से जो कविता है उसमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। आज हम देखते हैं बिना किसी देरी के, तो देखते हैं इस बाल पोम को कि किस प्रकार से जो बॉल होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, लेकिन कवि ने यहाँ पे बाल के माध्यम से एक सच्चा ज्ञान इस कविता में भर दिया है। तो देखते हैं कविता की पहली लाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। हमारे कवि जो है वो बता रहे हैं कि बच्चा है, उसकी बाल खो गई है और उसकी बाल जब खो गई है तो बच्चा बहुत निराश है, बहुत उदास है, उसको वही गेंद चाहिए। बच्चा जो है वही गेंद को बार बार मांगने का प्रयास कर रहा है कि मुझे वही गेंद चाहिए, क्योंकि उसकी जो गेंद है वो अब पानी में गिर गई है। तो इस वजह से बच्चा जो है अपनी गेंद के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा उदास है, उसका हृदय दुख से बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वेदना है। तो देखते हैं और पढ़ते हैं इस कविता को, तब आपको इस कविता के बारे में जो थीम है वो आप पता चल पाएगी। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट दिस हिट बॉल, व्हाट इज ही टू डू, लेट अस सी। व्हाट इज द बॉय नाउ, अरे व्हाट इज द बॉय नाउ, अरे लड़के को क्या हो गया है, अरे लड़के को क्या हो गया है। Who has lost his ball? और जिसने अपनी बाल को मिस कर दिया है, कहने का तात्पर्य बाल को खो दिया है, उसके हाथ से बाल चली गई है। Who has lost his ball? What? अरे what is he to do? अरे अब वह क्या करेगा, अब उसको क्या करना है, अब गेंद प्राप्त करने के लिए वो क्या प्रयास करेगा, उसको अब क्या करना है। नरेटर बोल रहे हैं कि मैंने स्वयं, अब नरेटर स्वयं उस कविता में प्रेजेंट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नरेटर जो है वो उस घटना को देख रहे हैं कि किस प्रकार से उस बच्चे की बाल हो गई है। तो यहाँ देखते हैं आई इज यूज्ड फॉर पॉइंट, जो हमारे आई है किसके लिए आया है, पॉइंट के लिए आया है कि कवि जो है वो स्वयं इस घटना को देख रहे हैं। तो आई सा इट गो, मैंने इसको जाते हुए देखा, किसको जाते हुए देखा, गेंद को जाते हुए देखा। तो कभी बता रहे हैं हमारे नरेटर हैं जो इस कविता को जिसमें बचा है, वो कह रहे हैं कि मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा। आगे देखते हैं मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मीन्स जैसे बच्चा कोई गेंद फेंकता है तो गेंद एकदम बाउंस करती है, उछलती है, जंप करती है एकदम से, तो वही बात यहाँ बता रहे हैं। मैरिली प्रसन्न चित होकर के बाउंसिंग उछलती हुई डाउन द स्ट्रीट गली से होते हुए, एंड देन क्या देखा पढ़ने की जो बॉल है वो गली से उछलती हुई बाउंस करती हुई अप डाउन कंडीशन में जा रही है, और ये हमारे पॉइंट देख रहे हैं। एंड देन और उसी क्षण क्या होता है, एंड देन और उसी क्षण मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और देखते ही देखते नरेटर देख रहे हैं, कभी हमारे देख रहे हैं कि देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो जो बॉल है वो जाकर के सीधे गली से होती हुई सीधी पानी में जा गिरती है, पड़ती है पानी में गिर जाती है। और आपको बताना चाहेंगे कि बच्चे जो होते हैं वो बाल के पीछे कितने दीवाने होते हैं, कितने उनके अंदर उस बाल के प्रति प्रेम होता है। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण भी बाल की खातिर ही जमुना में कूद गए थे, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बच्चे बच्चे होते हैं, बॉय विल बी बॉय, बच्चे बच्चे होते हैं। चलो देखते हैं आगे, तो क्या देखा कि जो गेंद है वो गली से उछलती हुई सीधा कहाँ चली गई, पानी में गिर गई। तो आगे देखते हैं जो स्टेंजा है जो मैंने बताया है, अब आप देखते हैं सेकंड स्टेंजा, वो भी कुछ कह रहा है और हमें कुछ नया संदेश दे रहा है, हमें एक नई ऊर्जा दे रहा है। कवि का गेंद की कविता लिखना तो एक बहाना है, लेकिन उस गेंद होने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है, वो देखते हैं इस नेक्स्ट स्टेंजा में। अब देखते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदरवाइज, पर बता रहे हैं कि भाई अब उस बच्चे से ये कहना व्यर्थ है कि नहीं नहीं बेटा तुम्हारी गेंद खो गई है तो खो जाने दो, हम तुम्हें दूसरी गेंद ला के दे देंगे, है ना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए, मुझे वही गेंद चाहिए, मेरी वही प्यारी सी गेंद थी, मेरी वही अच्छी सी गेंद थी, अब मुझे नई गेंद नहीं चाहिए। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि यदि आपके पास कोई मोबाइल है उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत सारे फोटोज पड़े हैं, है ना, अब वो अगर फोन खो जाए तो आपको फोन तो नया मिल जाएगा,
लेकिन जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो नए फोन में मिल जाएंगे? तो भले ही हमको नया फोन मिल जाए, लेकिन जो हमारी उस फोन से मेमोरी जुड़ी है, जो यादें जुड़ी हुई हैं, वो कभी भी आपको दोबारा नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार से यही बच्चे के साथ थीम जोड़ी गई है कि बच्चे को वही गेंद जो उसकी गेंद खो गई है, केवल और केवल वो उसी गेंद को प्राप्त करना चाहता है। नई गेंद लेने से कोई मतलब उसका नहीं है, क्योंकि उसकी जो मेमोरीज है वो उस गेंद से बहुत ज्यादा जुड़ चुकी है। तो यही आप बता रहे हैं कि नो यूज टू से, अब कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं है? वो देयर आर अदर बॉल्स। अरे बेटे परेशान मत हो, बहुत सारी गेंदे हैं, हम मैं भी बाजार जाते हैं, अभी तुम्हें बाजार से ला करके गेंद देते हैं, ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो गेंद खो गई है उसकी उसका मन टोटल उसी बाल पे व्यस्त था, वो नई गेंद लेने से कोई मतलब नहीं है। एंड अल्टीमेट सेकंड ग्रिप, और जैसी ही उसकी गेंद पानी में चली जाती है, एंड अल्टीमेट एकदम उसका जो सेट है एकदम से हिल जाता है, सेकंड एकदम से कांप जाता है जैसे उसकी बाल खो जाती है, सेकंड ग्रिप, और एकदम से दुख में चला जाता है बच्चा, क्योंकि उसकी जो सबसे डियरेस्ट थिंग्स थी वो लॉस्ट हो गई है, वाटर में चली गई है, इस वजह से बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा दुख भर गया है। सेकंड ग्रिप फिक्स इन फिक्सेस द बॉय, मतलब जो दुख होता है वो बच्चे में समा जाता है, बच्चे में वो दुख आ जाता है, बच्चा एकदम से सहम जाता है, सेक हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिग एड ही, और उसी क्षण एट द सेम टाइम उसी क्षण ही स्टैंड्स रिजिड, एकदम से नहीं कोई चीज खो जाती है तो एकदम हक्का बक्का से रह जाना, तो एकदम से शांत खड़ा है, एकदम से उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, बॉडी एकदम से स्टेबल हो गई है, रिजिड एकदम कठोरता आ गई उसकी बॉडी में, जैसा खड़ा वैसे खड़ा है, कोई मूवमेंट कोई एक्शन उसकी बॉडी में देखने को नहीं मिल रहा है, उसको बहुत ज्यादा झटका लगा है, बहुत ज्यादा सदमा लगा है कि उसकी गेंद हो गई है, बाल हो गई है। ट्रेम्बलिंग, और भय से कांपने लगता है, भय से कंपन करने लगता है, ट्रेम्बलिंग कांपने लगता है, स्टेयरिंग डाउन, और अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए है, उसी स्थान को देख रहा है जहाँ पे उसकी गेंद गिर गई थी, उसी स्थान पे स्टेयरिंग डाउन नीचे देख रहा है। आगे देखते हैं, ऑल हिज यंग डेज, और अपने बचपन के दिनों को वो याद करता है, इनटू द हार्बर वेयर ही बाल वेंट, इनटू द हार्बर, और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, और किधर देख रहा है? हार्बर की, टू द हार्बर, हार्बर में सोता बंदरगाह जहाँ पे पानी आने होता है, वो हार्बर उस बंदरगाह की तरफ देखता है, वेयर हिज बाल वेंट, और वो उसी पानी वाले स्थान पे देखता है, उसी बंदरगाह के क्षेत्र पे देखता है जहाँ पे उसकी बाल हो जाती है या जहाँ पे उसकी बाल चली गई है, उसी स्थान को वो बारीकी से देख रहा है, यही वो स्थान है जहाँ उसकी बाल गुम हो गई है। तो ये है दूसरी स्ट्रेंजर की एक्सप्लेनेशन है, शायद आपको समझ में आ रही होगी, और वीडियो को पॉज करके या आगे बढ़ा करके स्किप करके ना देखें, टाइम हो तभी इस वीडियो को देखें, जब आपके पास टाइम हो तब देखें। चलो देखते हैं नंबर थर्ड स्ट्रेंजर, तो देखते हैं पॉइंट आगे बता रहे हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई आता है पॉइंट के लिए आ रहा है, हमारे पॉइंट बता रहे हैं कि आई वुडंट इंट्रूड, मैं अनावश्यक रूप से उस बच्चे के पास जाना पसंद नहीं करूंगा, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अनावश्यक रूप से मैं बच्चे के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा, नहीं जाना चाहूंगा, उसके पास नहीं जाना चाहूंगा, और अडाइम, अडाइम का मतलब अ सेंट, डॉलर का दसवां भाग, ओके, तो अडाइम एनोदर बॉल, और मैं दूसरी गेंद खरीदने के लिए बच्चे को पैसे भी नहीं दूंगा, कहने का मतलब यही है कि आई शैल नॉट गिव हिम मनी टू बाई सेकेंड बॉल, सेकेंड बॉल खरीदने के लिए मैं उसको पैसे भी नहीं दूंगा, इज वर्थलेस नाउ, अगर उस बच्चे से कहे कोई कि नहीं नहीं बेटा तुम ये पैसे पकड़ो और तुम नई गेंद ले लो, ये गेंद थोड़ी खराब थी तुम अच्छी गेंद ले लो, पॉइंट बता रहे हैं ऐसा कहना व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि बच्चे का उस गेंद से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, तो वो वर्थलेस ऐसा कहना ना अब व्यर्थ की बात है, ऐसी बात है ना। आगे देखते हैं, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस उसको सोचने दो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी गेंद को खोने से ये उसकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पहली जिम्मेदारी समझे, क्या समझे, अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस भौतिक संसार में बहुत से संबंध हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनमें इस बच्चे को ये पहली बार सदमा लगा है,
गेंद के माध्यम से सदमा लगा है, तो पॉइंट हमारे बता रहे हैं कि बच्चे को अपनी जिम्मेदारी को अच्छे प्रकार से निभाने दो, अच्छे प्रकार से समझने दो, क्योंकि आज गेंद खोई है कल कुछ और खोएगा, क्योंकि ये भौतिक संसार है, ये इसमें जो भी चीज़ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो चीज़ रुकने वाली नहीं है, वो एक नए दिन जरूर चली जाएगी। तो पॉइंट बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आगे चल के उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खोना है, अपने पेरेंट्स को खोना है, अपनी कई इंपॉर्टेंट वस्तुओं को खोना है, तो ये जीवन में चलता रहता है। तो बच्चा जो है वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आई कि जब उसकी गेंद हुई तब उसको पहली जिम्मेदारी महसूस हुई। ऐसा भी होता है जो डियरेस्ट थिंग्स होती हैं वो भी चली जाती हैं, तो उसको उस जिम्मेदारी को निभाने दो, सीखने दो। कहने का तर्क ये है इस भौतिक संसार में जो बहुत सी पजेशंस है वो एक ना एक दिन जरूर चली जाएगी, तो उसको समझने दो, उसको जिम्मेदारी लेने दो। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस आगे कहते हैं पीपल विल गिव वर्ड्स, लोग गेंद खरीदते रहेंगे, विल गिव क्या है कि लोग गेंद खरीदते रहेंगे। ये तो अम्मा थे कि हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए खिलौने टॉयज लेके आते हैं ना, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लोग जो है वो गेंद को खरीदते रहेंगे। People will take balls, balls will be lost always the little boy. आगे बता रहे हैं कि जो गेंद पेरेंट्स लेके बच्चे को देते रहेंगे लेकिन वो बच्चे जो हैं वो उस गेंद को खोते रहेंगे। ये भी बात सही है कि आज गेंद दो कल गायब हो जाती है, परसों गायब हो जाती है, ज़्यादा दिन नहीं रुकती है, तो ये क्या है कि पेरेंट्स जो हैं वो गेंद लाते रहेंगे और जो बच्चे हैं वो उस गेंद को खोते रहेंगे, है ना। तो ये आगे पॉइंट हमारे बता रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं स्टेंजा 4 है जो कि लास्ट स्टेंजा है, पॉइंट को बताना चाहते हैं तो वो क्या है आगे देखते हैं। आगे मतलब देखते हैं एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। आगे पॉइंट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एंड नो वन बाइज ए बॉल। अब यहां देखिए बॉल बैक, अब इस बॉल की आग में पॉइंट हमारी कितनी कितनी शाश्वतता बता रहे हैं। क्या बात है कि एंड नो वन, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एंड नो वन बाय द बॉल बैक, अब कोई भी उस बॉल को, खोई हुई बॉल को वापस नहीं ला सकता। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि संसार में, इस संसार में जो आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इसके बाद और भी डियरेस्ट थिंग्स हैं, जो एक बार जैसे कोई इंसान है वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो कोई भी उस मृतक को दोबारा से नहीं ला सकता, ऐसा कोई भी नहीं है। पैसा है वो अपनी जगह पे है, पैसा अपनी जगह पे है, लेकिन जो चीज़ इस संसार से चली गई है, जो सदा के लिए चली गई है, उसको कोई वापस नहीं ला सकता है। ये कहना चाहते हैं कोर्ट यहाँ पे, एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, कोई भी बाल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, और अगर कोई मनी की बात करे कि मैं पैसे से ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो पैसा सब कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है, है ना। तो यही बताना चाहते हैं मनी इज एक्सटर्नल। मनी की अगर बात करो तो ये वहां रूप है इसका, ये एक्सटर्नल है, धन है, लेकिन धन, धन से भोजन मिलता है लेकिन भूख नहीं मिलती है, धन से बिस्तर मिलता है लेकिन नींद नहीं मिलती है ना। तो धन सब कुछ नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखें कि उस खोई हुई बाल को कोई वापस नहीं ला सकता है। हाँ, नई बाल ला सकता है लेकिन उस बाल को कोई वापस नहीं ला सकता है। आगे बता रहे हैं ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज। कभी कभी क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा तड़प रहा है, तो ही इज लर्निंग, लेकिन उसके रोने में, उसके तड़पने में, उसके गेंद खोने में वो बच्चा कुछ ना कुछ उससे सीखेगा कि दुनिया में ऐसा भी होता है। जिसको हम बहुत अच्छा समझते थे, अपना उसको सबसे डियरेस्ट थिंग्स मानते थे, डियरेस्ट पर्सन मानते थे, वो भी हमें छोड़ के चले गए। तो क्या बता रहे हैं, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड, अच्छी तरीके से, हिज डिस्परेट आईज, उसकी भले ही उसकी आंखों में आंसू हो, उसकी आंखों में निराशा हो, लेकिन वो निराशा लॉन्ग पीरियड तक नहीं रहेगी, लेकिन उस दौरान बच्चा ये जरूर सीखेगा कि वास्तव में जो सबसे सुंदर चीज़ें होती हैं, जो बहुत डियरेस्ट थिंग्स होती हैं, वो भी खो जाती हैं। तो उस पहले झटके को वो बर्दाश्त करेगा और आगे आने वाले जो दुख हैं उसको वो और धारण करेगा, अच्छे प्रकार से उसको सीखेगा, वो जान पाएगा कि नहीं भाई डियरेस्ट थिंग्स भी जाती हैं, तब वो इतना दुख प्रदर्शित नहीं करेगा। यही सभ्यता की थीम है कि आज गेंद है, गेंद तो पहला माध्यम है, इसी माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सीखने दो और तब अपने आप को ढाल पाएगा, आगे जब दुख आएगा तो उस दुख को वो बर्दाश्त कर पाएगा क्योंकि वो उस बारे में सोच रहा है। भाई जैसे अगर कोई उसी बच्चे को नई गेंद ला कर दे दे और उस गेंद के बारे में सोचने ही ना दे, तो आगे जो दुख आएगा हो सकता है वो उस दुख को बर्दाश्त ना कर पाए, हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है उसकी मौत हो जाए। इस वजह से हमारे कोर्ट कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसको सोचने दो, उसको करने दो, उसको रोने दो, उसको निराश होने दो, ऐसा होने पर भी वो एक नई जिम्मेदारी सीखेगा, एक नया उत्थान उसके अंदर होगा,
वो पॉइंट हमारे यहाँ बताना चाहते हैं। आगे देखते हैं द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। आगे क्या बता रहे हैं द एपिस्टीमोलॉजी, द एपिस्टीमोलॉजी का मतलब ज्ञान शास्त्र, जो ज्ञान की बातें हैं। द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, उस लॉस को ज्ञान शास्त्र के माध्यम से उसको समझने दीजिए ना कि उसकी गेंद खो गई, उसको सोचने दो, उसको उसको ज्ञान होने दो कि संसार में ऐसी भी चीजें हैं जो हो जाती हैं, और ये पहला झटका है। उस पहले झटके को अगर वो बर्दाश्त कर लेगा तो आगे के आने वाले दुख उसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। वो पहले से जान जाएगा कि ये ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो फिर आगे का दुख जो आएगा उसको वो अच्छे प्रकार से फेस करेगा और अच्छे प्रकार से उसको अपने जीवन को जिएगा। नहीं तो वो पुरानी बातें सोच सोच के, वही बातें सोच सोच के हो सकता है वो उसका हार्ट फेलियर हो जाए। तो यहाँ देखते हैं तो द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान शास्त्र के माध्यम से उस जो लॉस हुआ है उस लॉस को समझने दो उसको। हाउ टू स्टैंड अप और उस विषम परिस्थिति में उसको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे उठना है, कैसे उसको फेस करना है, ये भी उसको समझने दो। उसको लल्ला ना समझो, उसको समझने दो, वो जो कर रहा है उसको करने दो और उसे बीच में हस्तक्षेप ना करे तो ज्यादा अच्छा है। आगे देखते हैं नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। आगे देखते हैं नोइंग हर कोई जानता है, नोइंग हर कोई जानता है, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के आगे दुख आएगा, हर व्यक्ति के आगे परेशानी आएगी, हर व्यक्ति के आगे बीमारी आएगी, हर व्यक्ति के अंदर वेदना आएगी, ये सब कुछ हर कोई जानता है, ऐसा कोई नहीं है। भगवान राम आए थे उनको भी बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था, भगवान कृष्ण आए थे बचपन से ही कंस के राक्षस परेशान करने लगे थे, तो ऐसा नहीं। हमारा जो ब्रह्म आया, हमारा जो ईश्वर अवतार लिया, उन्होंने भी कष्ट को फेस किया, तो हम लोग तो संसारी लोग हैं, हम लोग भी फेस करेंगे, है ना। तो क्या बता रहे हैं नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट गो थ्रू, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन ये सामना, ये टॉपिक पे सामना अवश्य ही करना पड़ेगा, हर कोई करेगा, मस्ट वन डे नो, हर कोई जानता है कि हमें इसका सामना करना पड़ेगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज और आगे हमारे कोर्ट बता रहे हैं कि भले ही हम बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाएं, भले ही हमने बहुत ज्यादा डिग्रियां हासिल कर ली हो, लेकिन इसी बात को समझने में लोगों को न जाने अपनी आयु का 50% भाग चला जाता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर है क्या, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, और इसको समझने में आधी उम्र खर्च कर डालते हैं। आधी उम्र तो ऐसे बीत जाती है, तो आधी उम्र जब रहती है तब पता चलता है कि नहीं भाई ऐसा भी होता है, तब उनको ज्ञान होता है, है ना। हाउ टू स्टैंड अप, तब वो जान पाते हैं कि हमको कैसे फेस करना है, कैसे स्टैंड करना है, कैसे सर्वाइव करना है। इस प्रकार से हमारे इस छोटी सी कविता में कवि ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है और एक अच्छा ज्ञान दिया है, एक सार्वभौमिक बात बताई है जो हम सभी को प्रेरित करेगी। और इस कविता को जब भी आप पढ़ेंगे तब भी आप इंस्पिरेशन हासिल करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।